आप अंदर गए, पानी था यहाँ पे, आपसे पैसे लिए, कितने पैसे लिए? अगर 5 भी लिए तो क्या करे जाएंगे आप, गलत या सही? सफाई भी ले सकते हैं ना, तो अगला आदमी मेहनत कर रहा है ना, अब पानी था, सफाई थी ना, चलिए धन्यवाद आपको, यहाँ सफाई रखते हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे पुनः गाँव की, आखिर जो कहता हूँ जो दिखाए कोई और से दिखाता है पुनः गाँव की। देखिए अब तक हमने दिखाई आपको आस्था, और हमारा काम है आस्था और व्यवस्था दोनों ही दिखाना। हम लोग जीवन में कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले एक सोच की जरूरत पड़ती है, सोच में सोचना, और उसके बाद जो भी खाते कमाते हैं उसके खाने के बाद में क्या जरूरत पड़ती है, शौच की, यानी शौच क्रिया की। तो इस बाजार में मैं देख रहा हूँ शौचालय है, ये बड़ी खुशी की बात है, और साफ सुथरा भी है और साझा हुआ पानी भी आ चुका है। और हम एक संदेश देना चाहते हैं कि इतने बड़े बाजार के अंदर आप देखिए इतनी भारी भरकम भीड़ आ जा पहुँची है, लोग देश विदेश से पहुँचे हैं, यहाँ पर कम से कम जो है 2-3 तो शौचालय होने चाहिए जिससे कि लोगों को व्यवस्था मिल सके। एक जैसे कि इस रास्ते पे और एक पल्ली तरफ से एक बिटिया खड़ी है, मैं पूछूंगा और बताइए बिटिया पानी था अंदर? एक मिनट मैं बात करता हूँ, आ गया हो आप अंदर गए, पानी था यहाँ पे, आपसे पैसे लिए, कितने पैसे लिए? अगर 5 भी लिए तो क्या करे जाएंगे आप, गलत या सही? सफाई भी ले सकते हैं ना, तो अगला आदमी मेहनत कर रहा है ना, अब पानी था, सफाई थी ना, चलिए धन्यवाद आपको, यहाँ सफाई रखते हैं। आपका नाम क्या है? नमस्कार, पानी आता है बराबर? हाँ सर। ये जो हमारे यहाँ पे सकरा नहीं आवाज़ उठाई थी पानी के लिए, उसके बाद से आया या पहले आ गया था? अब आप कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? आपको कोई दिक्कत और दिक्कत तो नहीं है? ये इसके खुलने को टाइमिंग है? हाँ सर। सुबह खुलता है 7 बजे तक, आपको सौ जाएगा तो कहाँ जाएगा? मेरे नीचे मेरे कमरे आता है, पहले आपके पास आएगा? ये तो बड़ी मुश्किल हो गई यार, खोल देते हो? हाँ सर खोल देते। चलिए आप लोग स्थानीय हो जाएंगे करने का सर? व्यवस्था तो काफ़ी अच्छी है, ये सोनू भाई हैं यहाँ पे हमारे, मतलब पूरी मार्केट की सुबह साफ सफाई करते हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था है, मतलब इतनी मार्केट में इतनी भीड़ है, उसके बाद भी ये शाम को भी ये पूरी स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, पूरी मार्केट की सफाई शाम को करते हैं, आजकल इस भीड़ भाड़ में सुबह बिल्कुल आते हैं तो एकदम मार्केट को स्वच्छ रखते हैं, और काफ़ी मतलब अच्छा काम करते हैं। और कुछ यात्री ऐसा है कि विरोध भी करते हैं कि भैया ये वैसा शौचालय बोलते, कभी पहले टाइप पैसे छोड़ लेते हो, कई बार लड़ाई झगड़े भी होते हैं यहाँ पे, छुटाते हैं कि भाई जी बंदा यहाँ पे इतनी मेहनत कर रहा है, पानी तो कल आ रहा है यहाँ पे, लेकिन पहले से ये बेचारे ने बहुत काम किया है। धन्यवाद सोनू भाई, मैं एक बात कहूँगा, अगर कोई देता है तो ठीक, नहीं तो लड़के फायदे नहीं है सर, वो माता रानी देख रही है भैया है ना। चलिए दोस्तों अब देखिए भैया, एक बिटिया ने साफ बोला है कि अगर पैसा लेते हैं सफाई मिलते कोई दिक्कत नहीं है, हम ही वो लोग हैं जो कहते हैं कि शौचालय होता तो हम पैसे देने तैयार थे, और जब बन जाता है सुविधा मिलती तब कहते हैं पैसे लिए जा रहे हैं, तो मैं तो साफ साफ कह रहा हूं वैसे इसके पैसे बोलता हूँ। तो चलिए दोस्तों ये शौचालय ने आपको दिखाया, और मैं चाहता तो आपको अंदर दिखाता, लेकिन एक मीडिया ने साफ साफ बोल दिया कि साफ सुथरा है तो अंदर जाकर फायदा भी नहीं है, कुछ लोग जा रखे हैं डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। तो चलिए अब हम चलेंगे थोड़ा बाजार की ओर, और थोड़ा दिखाएंगे आपको, और लोगों से जानकर लोगों से बात भी करेंगे कि यहाँ पे उनके अपने क्या विचार हैं, तो चलिए हम उनसे भी बात करेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद शासन और प्रशासन का करना चाहता हूँ कि एक सोशल मीडिया को देखते हुए उन्होंने संज्ञान लिया और यहाँ पर पानी की व्यवस्था बनी, और ऐसी व्यवस्था थोड़ा अच्छी और हो जाए तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उत्तराखंड सरकार का, और लगातार जो धीरे धीरे काम हो रहे हैं, जो गलत चीज़ थी वो सही हो रही है, इससे बेहतर क्या हो सकता है।